अगली खबर है रीवा से, जहां गगेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बास में स्थित गीता गौशाला का निरीक्षण करने विकास तिवारी सहित जनपद के अधिकारी मंगला तिवारी सहित एसडीओ श्री कांत द्विवेदी, मनीष तिवारी पंचायत इंजीनियर, ग्राम पंचायत बास के सरपंच कमलेश पटेल, सचिव प्रेमा पटेल तथा रोजगार सहायक छाया द्विवेदी मौके पर उपस्थित रहे। साथ ही ग्राम पंचायत मदरी के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि महेश शुक्ला सहित गौरव शुक्ला एवं हीरामणि तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया। साथ में उन्होंने पाया कि गौशाला संचालन टीम द्वारा गौशाला संचालन का कार्य सही तरीके से किया जा रहा है। श्री तिवारी ने गौशाला में निर्माण कार्य संबंधित तार फेंसिंग सहित लाइट फिटिंग, पानी टैंक सहित लाइट की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उनके द्वारा ग्राम पंचायत बांस के सरपंच को जल व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी द्वारा तालाब उन्नयन हेतु अपना पक्ष रखा, जिस पर जनपद अध्यक्ष गगेव विकास तिवारी द्वारा ग्राम पंचायत बांस को प्रस्ताव देने हेतु आदेशित किया गया। संचालनकर्ताओं द्वारा रुके हुए पैसे की मांग की गई तो अध्यक्ष विकास तिवारी द्वारा जल्द ही गौशाला का पैसा दिलाने की बात कही। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।